शेल्टर होम्स की तामीर का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करे। पंजाब का बजट मिसाली और आवाम दोस्त होना चाहिए। मस्नूई महंगाई करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। कमजोर तबके को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने की कोशिश करें। वजीर आजम इमरान खान की सरदार उस्मान बुस्तार को हिदायत। ऐवान वजीर आला में वन ऑन वन मुलाकात। वजीर आला ने इमरान खान को सूबे के इंतजामी और सियासी अमूर पर आगाह किया। नैब और न्यासी का गठजोड़ है। नैब बुलाता किसी और केस में है, गिरफ्तार किसी और केस में करता है। तारीख में नैब का नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। मुल्की मईशत वेंटिलेटर पर है। हमजा शहबाज की हाईकोर्ट पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। हाईकोर्ट से हमजा शहबाज को मजीद दो केसेस में रिलीफ। रमजान शुगर मिल्स और साफ पानी स्कैंडल में भी 17 अप्रैल तक अबूरी जमानत मिल गई। आमदन से जायद असासाजात केस में पहले ही 18 अप्रैल तक अबूरी जमानत हासिल कर चुके हमजा शहबाज ने जमानती मचल के भी जमा करा दिए। लाहौर हाईकोर्ट बार में भी आमद। आजम नसीर तारर, सदर हफीजुर रहमान समेत दीगर वकला से मुलाकात। नैब केसेस से मुतालिक कानूनी अमूर पर मुशावरा। अबूरी जमानत मंजूर होने के बाद हमजा शहबाज का नैब में पेश न होने का फैसला। नैब ने सुबह 11 बजे बुलाया था, नैब हुकाम इंतजार करते रहे। तर्जुमान हमजा शहबाज अताउल्ला तारड़ कहते हैं नैब को हमजा शहबाज की हाईकोर्ट में मसरूफियात बारे बजरिया खत आगाह कर दिया। तनख्वाहें बढ़ाने, टेक्निकल अलाउंस देने का मुतालबा। गवर्नमेंट इंजीनियर्स का अपने दफ्तर दूसरे रोज भी धरना जारी। मुजाहरीन ने एहतजाजन वजीर आबपाशी को दफ्तर से बाहर जाने से रोके रखा। सरदार मोहसिन लगारी गाड़ी से उतरकर पैदल दफ्तर से बाहर रवाना हुए। मुजाहरीन को मनाने की कोशिश भी की। बोले, मेरे पास कोई अलादीन का चिराग नहीं, हर काम में बेहतरी के लिए वक्त दरकार होता है। वजीर का मतलब ये नहीं कि हुक्म सादर करूँ और काम हो जाए। हाउस रिक्वजिशन अलाउंस की बहाली, मुलाजमीन की मुस्तकली का मुतालबा। सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर एपका मुलाजमीन का दूसरे रोज भी एहतजाज। हुकूमत को मुतालबात की मंजूरी के लिए 24 अप्रैल तक की डेडलाइन दे दी गई। मुजाहरीन मुंतशिर हो गए। हुकूमत ने मुतालबात ना माने तो मुजाहरीन एक दूसरे पर गुस्सा निकालने लगा। सिविल सेक्रेटेरिएट के गेट बंद होने पर मुजाहरीन आपस में गुत्थम गुत्था। इंजीनियर्स एसोसिएशन और एपका के कारकुनान में कुर्सियां चल गईं। शहबाज शरीफ लंदन चले गए। बोले, बड़े बेटे को शादी के 20 साल बाद अल्लाह ने बेटी से नवाजा है। नौ मौलूद का दिल का बड़ा ऑपरेशन हुआ। पोती को देखने और तिबी मुआयने के बाद वतन वापस लौटूंगा। शहबाज शरीफ का ट्वीट। शहबाज गिल का तंज, कहते हैं काश आप पाकिस्तान में अच्छा अस्पताल बना लेते जहाँ आपका, आपके बच्चों का और बच्चों के बच्चों का इलाज हो पाता। पंजाब हुकूमत का बड़ा इकदाम, सूबे भर के माजूर अफराद को सेहत कार्ड देने का फैसला। किसी भी अस्पताल से 7,20,000 रुपए तक मुफ्त इलाज की सहूलत मिलेगी। मुतलका इदारों को फहरिस्तें तैयार करने की हिदायत। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मिन राशिद कहती हैं माजूर अफराद माशरे में ज्यादा तवज्जो के मुस्तहिक हैं। महंगा इलाज की इस्तेदात ना रखने वाले अफराद को रिलीफ देना तरजीह है। सरकारी अस्पताल में बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहमी की खुद मॉनिटरिंग कर रही हूँ। कीमत में इजाफा मुस्तरद। हुकूमत ने फ्लोर मिल्स मालिकान को कीमत बढ़ाने से रोक दिया। किसी सूरत आटे की कीमत बढ़ाने नहीं दी जाएगी। वजीर सनत व तजारत मियां असलम इकबाल, मिल्स मालिकान ने आटे के 20 किलो थैली की कीमत में 5 रुपए इजाफे का मुतालबा किया था। बुज़दार सरकार कानून साजी पर अमल दरामद करवाने में सुस्त रवि का शिकार। 7 माह में 14 बिल पास, एक पर भी पेशरफ्त ना हो सकी। डोमेस्टिक वर्कर्स बिल, पंजाब राइट टू पब्लिक सर्विसेज बिल पर अमल दरामद ना हो सका। साफ पानी फराहमी मंसूबे का अहम बिल भी गायब। नमल इंस्टीट्यूट बिल भी मंजूरी के बाद फाइलों में गुम। अपोजिशन का हुकूमत के खिलाफ ऐवान में एहतजाज का फैसला। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के बाहमी रबते हिकमत अमली भी बना ली। अरकान कल इजलास में बाजुओं पर साफ पट्टियां बांधकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे।
हुकूमती महकमों के दरमियान खतों किताबत ई मेल पर मुंतकिल करने की तैयारी। पंजाब हुकूमत ने स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट का पंजाब भर के महकमों को मुरासला जारी कर दिया। गवर्नेंस निज़ाम में बेहतरी के लिए इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस सिस्टम पर आया जाए। मुरासले का मतन PTIB की मदद से ई फाइलिंग और ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम तैयार किया गया। स्कूल सरबराहान पर मुबैना दबाव के बाद कानून की खिलाफ वर्जी, ना कोई NOC ना कोई इश्तिहार। खस्ता हाल स्कूलों इमारतों की मिसमारी के फौरी अहकाम। लाहौर के 44 खस्ता हाल स्कूलों को गिराने का हुक्म। मुरासला जारी। कराची से मॉडलिंग के लिए लाहौर आई लड़की के कत्ल का मामला। पुलिस मकतूला का मोबाइल फोन अनलॉक करने में कामयाब। मोबाइल डाटा से मजीद शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। लड़की को अस्पताल में छोड़कर फरार होने वाले तीन लड़कों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तीनों अफराद गुलशन रावी के रिहायशी हैं। इकरा ने लड़कों के साथ मिलकर आयस का नशा किया। पुलिस। कौमी एयरलाइन की एयर होस्टेस पेरिस में लापता, लाहौर की रिहायशी शाजिया दौरान ड्यूटी पेरिस में लापता हुई। शाजिया ने सिफारिशी बुनियादों पर पेरिस की ड्यूटी लगवाई थी। PIA इंतजामिया सूरत हाल पर मौकिफ या कार्रवाई बताने से गुरेज़ान। जितना कमाया क्यों सब छुपाया। LDA के अफसरान और मुलाजमीन ने असासे छुपा लिए। असासे जाहिर ना करने वाले 220 अफराद की फहरिस्त तैयार। LDA का इंक्वायरी के बाद कार्रवाई का फैसला। आवाम को यकीन दिलाना होगा कि टैक्स का पैसा उन पर ही खर्च होगा। वज़ीर आज़म का वियन है, आवाम के टैक्स की हिफाजत करेंगे। निज़ाम को बदलने जा रहे हैं पाकिस्तानी लोग। सकावत के एतबार से दुनिया भर में नुमाया है। मुस्तकबिल में IMF और वर्ल्ड बैंक के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। वज़ीर ख़ज़ाना हाशिम जवां बक्का PC होटल में PRA की तकरीब से खिताब। बर वक्त टैक्स की अदायगी जिम्मेदार शहरियों की पहचान। टैक्स डे के हवाले से लिबर्टी मार्केट में आगाही वॉक का अहतमाम। वजीर एक्साइज हाफिज मुमताज, DG एक्साइज अकराम अशरफ गोंदल भी शरीक। वजीर एक्साइज ने कहा, टैक्स नेट को बढ़ाकर मुल्की मईशत को मजबूत बनाएंगे। शहरी वक्त पर टैक्स अदा करके कौमी फरीजा अदा करें। और पंजाब यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के इंतखाबात, तीन पैनल्स के दरमियान कांटे का मुकाबला। 800 के करीब वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। सदाती नशिस्त के लिए डॉक्टर मुमताज अनवर, साजिद गुज्जर और डॉक्टर नवीद आमने सामने।